बाथू की लड़ी के गहरे पानी में डूबने से दो युवकों की मौत। प्रशासन पुलिस ने मौका पर पहुंच शुरू की कार्रवाई। पुलिस थाना जवाली के अधीन पौंग झील के बीच स्थित बाथू दी लड़ी में दो युवकों की डूबने से मौत हो गई है। मृतकों की पहचान रजत व अमित कुमार निवासी दौलतपुर के रूप में हुई है। रजत लोक निर्माण विभाग में कार्यरत था तथा अमित कुमार आर्मी में था। दोनों ही युवक अपने अन्य दोस्तों के साथ पांडवों द्वारा निर्मित बाथू दी लड़ी को देखने के लिए मोटरसाइकिलों के द्वारा आए थे कि बाद दोपहर रजत व अमित कुमार पौंग झील में नहाने के लिए चले गए। पानी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण गहरे पानी में जाने से डूब गए। पास खड़े अन्य दोस्तों ने उनको डूबते देखा तथा सहायता के लिए शोर मचाया। स्थानीय लोगों ने मौका पर पहुंचकर डुबकियां लगाकर युवकों को तलाश करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। सूचना मिलते ही एसडीएम जवाली महेंद्र प्रताप सिंह व डीएसपी मनोज कुमार पुलिस टीम सहित मौका पर पहुंचे तथा झील में डूबे दोनों युवकों की तलाश शुरू कर दी है। एसडीएम जवाली महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रशासन व पुलिस मौका पर पहुंच चुके हैं तथा डूबे युवकों की तलाश शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि एनडीआरएफ की भी सहायता ली जाएगी। एसपी अशोक रत्न ने बताया कि पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। अभी तक पानी में डूबे युवकों का कोई पता नहीं चल पाया है। जो लोग हैं वो बार बार जो है पानी में जा रहे हैं और इस तरह के हादसे हो रहे हैं। तो आज जैसे कि आपके माध्यम से भी और मुझे पुलिस से भी सूचना मिली कि दो व्यक्ति जिसकी एक की उम्र के जो है वो 27 साल है, जिसकी एक दूसरे की उम्र जो है 23 साल है, ये दोनों युवक जो हैं दौलतपुर ऊना के रहने वाले हैं, वो यहाँ घूमने आए थे और पानी में गए और गहरे पानी में गए। उनको जो है उसकी डेप्थ का पता नहीं था और इसके कारण उनका पैर फिसला और वो यहाँ पे जो हादसे का शिकार हो गए। तो मेरा बार बार से प्रशासन की तरफ से पूरे पुख्ता जो है यहाँ पे हर तरह के जो है साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं, हमने ट्रेंचेस भी खोदी हुई हैं ताकि टूरिस्ट ना जा पाए, लेकिन जो लोग जो नहीं मानते हैं और इस तरह के हादसे होते रहते हैं। जैसे मेरे आपके माध्यम से यही लोगों से आग्रह है कि इस तरह से पानी में ना जाएं, आप नेचर का आनंद लें, हवा का अच्छा देखें, है ना, जो ब्यूटी है उसका पूरा जो है आनंद लें, लेकिन ये पानी में ना जाएं और अब इस तरह का हादसे जो है ताकि हम लोगों टाल सकें। सर तो शब्द जो है हमने एनडीआरएफ को सूचना दी है, एनडीआरएफ जो है वो 10-15 मिनट में जो है टीम पहुंचने वाली है और जो है जो यहाँ पे चश्मदीद गवाह हैं उनके माध्यम से हमें पता चला है कि डेड बॉडीज कहाँ हैं, तो इसमें एनडीआरएफ जो है हमारी मदद करेगी और जल्दी से हम बॉडीज को रिट्रीव कर लेंगे। सर ये ऊना से आए थे? दो बाइकों पे आए थे, 4 लड़के थे और इसमें की चारों गए थे, जिसमें की 2 को हमने सेफली निकाल लिया और 2 जो है इसे डूब गए।